Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for ESIC Deputy Director position. In continuation with our series in this particular lecture, what we are going to discuss is another important 5 questions from your subject of marketing management. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी लगातार वीडियोस देख रहे होंगे. And my sessions are held on every Saturday for the position of Deputy Director at 2 PM sharp. तो exactly 2 बजे हमारी क्लास होती है. तो प्लीज़ कोई भी सेशन को मिस ना करें. These sessions are going to be very, very useful to you. These are just 5 questions, but in 5 questions के अंदर हम सिर्फ questions और answers नहीं discuss करते, but I focus that I also elaborate on to these important concepts ताकि आपको 100% conceptual clarity आ जाए. ठीक है? So without wasting any further time, let's have a look at the first question. और अगर आपको answer पता है, you should start commenting it in the chat box. ठीक है? तो आज का हमारा पहला question देखते हैं, but इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया, do subscribe to the channel. By clicking on the bell icon so that you never miss any important update. लगातार अपडेट्स आती रहती हैं एग्जाम्स के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहनी चाहिए. तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो भी आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं. सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लगातार सेशंस देख रहे थे, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. डैश टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर टॉयलेटरीज, यूएसबीज एंड रिचार्ज कार्ड्स. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. कौन सा टॉपिक है, पहले तो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं. द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. सो वी हैव रेड वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि अगर जो टाइप ऑफ गुड है वो टॉयलेटरीज है, जो आप बेसिक अपने टॉयलेटरीज में यूज़ करते हैं, शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए, यूएसबीज हो गए, रिचार्ज कार्ड्स हो गए, जो आप मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. इज इट गोइंग टू बी द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर बोथ ए एंड बी. अगर आपको जवाब पता है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए. हम तब तक इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इन ऑर्डर टू हैव आर रिविजन. तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर आप कुछ 2-3 होलसेलर्स को पकड़ लेते हैं या रिटेलर्स को पकड़ लेते हैं, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, और इनसे आप कह देते हैं कि आपको मेरे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. बेसिकली सिलेक्टिव क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर नुक्कड़ पे, हर अलग अलग शॉप्स पे मिलता रहे. सो व्हाट यू वांट इज कि कुछ सिलेक्टिव लोग हो जिनको आपने डायरेक्शन दी होगी, जिनको आपने मार्केटिंग टेक्निक सिखाई होगी, वही लोग आपके इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें. ठीक है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब आप हर ज्योग्राफिकल एरिया से एक डिस्ट्रीब्यूटर को चूज कर लेते हैं. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ मोनोपोली हियर, बिकॉज ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है ये आपका खास आदमी होगा, आप इसको अदर टर्म्स एंड बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, एंड ही इज गोइंग टू बी द वन जिसके पास आपका प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तीसरा है इंटेंसिव, विच इज अ काइंड ऑफ अ मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जितने भी सेलर्स हैं उन सबके पास आपका प्रोडक्ट होगा. अब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, लॉजिकली क्या सोचना है, कि जो टॉयलेटरीज वाली चीज है या जो रिचार्ज कार्ड है, दे आर वेरी जेनरिक काइंड ऑफ अ थिंग जिनकी जनरल डिमांड होती है डेली रूटीन के अंदर. तो इसके लिए ना ही आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, ना ही सिलेक्टिव. आप यहाँ पे बहुत आसानी से इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, जो बहुत हाई डिमांड में रहता है और बिल्कुल रेगुलरली यूज किया जाता है. ठीक है, सो सिंस इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं. देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे नाउ. व्हाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट, जब कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, अ कस्टमर कंपेयर्स इट्स सेफ्टी, ठीक है, एंड यूटिलिटी, कि उसकी सेफ्टी कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. लेट्स से अगर आप जाके कुकर खरीद रहे हैं, ठीक है, जो आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं, तो आप उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन देखेंगे कि क्या ये सेफ है यूज करने के लिए, फिट फॉर ड्रिंकिंग है, फिट फॉर कंजम्पशन है कि नहीं है, वॉट एवर बी द काइंड ऑफ प्रोडक्ट. साथ साथ आप उसकी यूटिलिटी भी देखेंगे कि क्या उसकी यूटिलिटी अच्छी है. इट इज मेंट टू प्रोवाइड यू सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ इट यूजेस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए, जिस यूटिलिटी के लिए आप प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, आपको वही नहीं हो मिल पा रही है. कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स एयर कंडीशन खरीदते हैं और एक महीने बाद एयर कंडीशन की वर्किंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. सो इट्स नॉट प्रोवाइडिंग यू एडिक्वेट यूटिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है विच टाइप ऑफ मोटिव इज दिस, कौन से टाइप का मोटिव यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने जाता है तो उसके दिमाग में एक मोटिव जरूर होता है, एक उसके दिमाग में इनर विजन जरूर होता है कि इस
पर्पस से, इस ऑब्जेक्टिव से मैं ये प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा हूँ, तो ये आपको बताना है। इज इट अ क्वालिटी मोटिव, यहाँ पे वो क्वालिटी चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट की। इज इट अ इमोशनल मोटिव, क्या वो इमोशनल होके कि ठीक है मुझे स्टेटस सिंबल चाहिए इसलिए वो जाके प्रोडक्ट खरीद रहा है यहाँ पे। रैशनल मोटिव, वेयर ही इज आइडेंटिफाइंग द प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, बेसिकली रैशनल होके लॉजिकल थिंकिंग करके, लॉजिकल रीजन देख के चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा है। और इज इट अ काइंड ऑफ अ पैट्रोनेज मोटिव, पैट्रोनेज मोटिव क्या होता है, दैट यू चूज अ पर्टिकुलर सेलर और अ पर्टिकुलर शॉप ड्यू टू सम रीजंस, प्रॉब्ली ड्यू टू योर विसिनिटी। लेट्स से कि आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर आपके एक पड़ोसी हैं, उनकी शॉप है लेट्स से एयर कंडीशन की। अब आप डिस्कशन कर रहे थे उनसे कि भाई हमें एयर कंडीशन लेना है, आपकी नॉर्मली दो दिन से बातचीत होती है। सो इन ऑर्डर टू पैट्रनाइज देम, इन ऑर्डर टू गिव देम सम काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है, विच माइट नॉट बी अ लॉजिकल वन। सो एक तरीका पैट्रनाइज देने के लिए, एक तरीके का काम देने के लिए आप उनकी दुकान से जाके प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वी आर नॉट गेटिंग टू द डिटेल्स कि क्या वो रैशनल नहीं है, बट बेसिकली पैट्रनाइज का मतलब यही होता है, ठीक है। सो दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ मोटिव। आई होप आपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे दिया होगा मुझे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज रैशनल मोटिव। रीजन क्या है, देखिए सेफ्टी वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वेदर द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली सेफ, एज वेल एज यूटिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक लॉजिकल कंसिडरेशन निकल के आ रही है। बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्टिव था जिस वजह से आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले थे, अगर आप उसी चीज का ध्यान नहीं रखें, दैट हाउ यू आर गोना परचेज द प्रोडक्ट और हाउ यू आर गोना यूटिलाइज द प्रोडक्ट, तो रैशनल मोटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रांड्स आर कॉन्शियसली क्रिएटेड टू चार्ज प्रीमियम फ्रॉम कस्टमर्स, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम एप्पल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या सैमसंग के बारे में बात करते हैं, दीज आर वेरी रिकग्नाइज काइंड ऑफ अ ब्रांड। तो जब हम इन ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, तो इनको जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, ब्रांड्स के बेसिस पे आप कस्टमर से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। यहाँ प्रीमियम का क्या मतलब है, दिस इज नॉट योर सिक्योरिटीज प्रीमियम, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली अ काइंड ऑफ एन एलिमेंट वेयर वो प्रोडक्ट एक्चुअली 50 रुपये का होना चाहिए था, बट बिकॉज द सेलर नोज, बिकॉज द ब्रांड नोज दैट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिलेटेड टू द ब्रांड, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर्स को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता है, एंड उसको वो हाई कंसिडरेशन में लेते हैं व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग। तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो 50 रुपीज चार्ज करने की जगह दे माइट चार्ज ₹60। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट अ फाइन क्वालिटी, बट थोड़ा सा वहाँ पे प्रीमियम सेलर जो है वो चार्ज कर लेता है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स विच टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड, हमने एक सेशन के अंदर प्राइसिंग मेथड डिस्कस किया था, प्लीज उस सेशन को जरूर देखिएगा, तो आपको बताना है कि कौन से टाइप का प्राइसिंग मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इज इट वैल्यू प्राइसिंग, इज इट प्राइस स्कीमिंग, इज इट परसीव वैल्यू प्राइसिंग, और इज इट डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, ठीक है। तो दीज आर द फोर प्राइसिंग टेक्निक, लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर, कॉमेंट सेक्शन में आंसर करिए। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, जब आप इनिशियली प्राइस हाई करते हैं, हाई रखते हैं मार्केट के अंदर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस क्या होता है, वर्ड में ही पता चल रहा है कि इट्स क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अलग अलग कस्टमर्स के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि जो लॉयर्स होते हैं कई जगहों पे, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर कॉरपोरेट फीस के बारे में बात आती है तो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, वेयर एज अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई इंसान पर्सनलाइज वे में इंडिविजुअल आके उनके पास केस फाइल कर रहा है, तो वहाँ पे वो अलग प्राइस चार्ज करते हैं। सो दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। अब वैल्यू प्राइसिंग और परसीव वैल्यू जो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है, वेयर यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेस द बेनिफिट। तो बेसिकली एक तरीके का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। लेट्स से आप मार्केट में जाते हैं, आप पता करते हैं कि ये मोबाइल फोन कितने का है, आप पहले उसके फीचर्स देखते हैं, आपको लगता है कि यार इस फीचर्स के हिसाब से जो प्राइस होना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए, ठीक है। और जब आप पूछते हैं सेलर से कि भाई ये कितने का है, और वो आपको बोलता है कि सर ये तो सिर्फ 8,000 रुपीज का है, ठीक है, मतलब एक्चुअली आपके दिमाग में लग रहा था, आपको लग रहा था कि यार इसके बेनिफिट्स के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का प्राइस होना चाहिए, बट एक्चुअली जो प्राइस निकल के आया, जो आपको सेलर ने बताया, दैट इज ओनली ₹10,000। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस से बेनिफिट को माइनस करेंगे, या परसीव्ड एक तरीके का जो कॉस्ट आपने लिया था उससे माइनस करेंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू जो आपके माइंड में बन के आ रही, दैट इज ₹2,000। तो ये हमारी वैल्यू प्राइसिंग हो जाती है, बेसिकली मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द बेनिफिट एंड द प्राइस ऑफ द कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे टू द सेलर, ठीक। परसीव्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है, कि ये पूरा का पूरा जो प्राइसिंग है ये इस चीज पे बेस्ड होता है कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नॉर्मल ब्रांड के फोन को परचेज करने जाते हैं, सैमसंग के, माइक्रोमैक्स के, इन कंपनी से, तो आप वहां पे बेनिफिट देखते हैं, बट स्पेसिफिकली लेट्स से अगर आप कोई
बहुत बड़े ब्रांड से परचेज करने जा रहे हैं, लेट से आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ब्रांड बिल्डिंग हो चुकी है, आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ऑफकोर्स आप वहाँ पे ज़्यादा प्राइस देने से भी नहीं कतराते हैं और यहाँ पे बेसिकली कंपनीज चार्जिंग यू प्रीमियम। सिमिलरली इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं कि आप किसी नॉर्मल शॉप पे जाके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेट्स से आप कुछ गिफ्ट आइटम परचेज करना चाहते हैं, तो यू मेक अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, बट अगर आप आर्चीज गैलरी में चले जाइए तो आप वहाँ पे नहीं कंपैरिजन करते, बिकॉज यू नो कि भाई आर्चीज है वो थोड़ा सा कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो जहाँ पे एक पोजिशनिंग के बेसिस पे, ठीक है, जहाँ पे आप ब्रांड्स के बेसिस पे चीज़ों को चार्ज करने की कोशिश करें, बिकॉज द कस्टमर्स परसेप्शन इज सच दैट इज नोन एज परसीव वैल्यू प्राइसिंग एंड द आंसर इज गोइंग टू बी सी। प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन वैल्यू प्राइसिंग एंड परसीव वैल्यू प्राइसिंग। दोबारा बता रहा हूँ, वैल्यू प्राइसिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द बेनिफिट दैट अ कस्टमर इज रिसीविंग। परसीव वैल्यू होता है जो कस्टमर्स के परसेप्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो दैट वॉज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस सेटिंग मेथड विच मोस्ट क्लोजली कॉरस्पॉन्ड्स टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब आपको याद हो हमने एसटीपी का मॉडल पढ़ा था, सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्राइसिंग मेथड ऐसा है जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग से बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है या फिर इन पार्लेंस विथ में फाइंड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, द अदर वन इज गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, द थर्ड वन इज परसीव वैल्यू प्राइसिंग मेथड एंड द फोर्थ वन इज स्किमिंग प्राइस। अब देखिए स्किमिंग प्राइस हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा रखा जाता है, प्राइस इज केप्ट हाई, तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट परसीव वैल्यू प्राइसिंग, जहाँ पे आप परसेप्शन देख रहे हैं कस्टमर्स का, दिस कुड बी वन ऑफ द आंसर्स, ये हमारा आंसर हो सकता है, बट एक बार बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का क्या मतलब है कि आप कहते हैं कि भाई कॉस्ट तो जो प्रोडक्ट की निकल के आई है वो 100 रुपये निकल के आई है, बट प्लस कॉस्ट में प्लस हमें कुछ रिटर्न भी तो चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तो कॉस्ट के बाद लेट से आप 20% का रिटर्न चाहते हैं, ठीक है, और वट एवर इट बी, तो आप यहाँ पे प्राइस जो रख देते हैं वो रख देते हैं ₹120, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है, मार्केट में जो रेट चल रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार हमारा कॉम्पिटिटर 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम कैसे उसको उससे महंगे में बेच सकते हैं। सो यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव इन अकॉर्डेंस विथ योर कॉम्पिटिटर्स। तो जब आप कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के प्राइस सेट करते हैं तो उसको कहा जाता है गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक है। आई होप आपको चारों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए, बट प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर के दिमाग में अगर आप किसी कस्टमर को बुलाते हैं, पूछते हैं भाई पोजीशन बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट में सबसे अच्छा मोबाइल फ़ोन कौन सा है, और कस्टमर कहता है कि सर एप्पल का जो फ़ोन है ना वो सबसे बढ़िया फ़ोन है, ठीक है, या सर जो डेल का लैपटॉप है वो सबसे अच्छा लैपटॉप है, अब हमें क्या पता चल गया कि कस्टमर के दिमाग में हमारे ब्रांड की पोजीशन क्या है। एप्पल को पता चल गया कि एप्पल टॉप पे, डेल को पता चल गया कि डेल टॉप पे, ठीक है। सो नाउ व्हाट दे कैन डू इज इस परसेप्शन का फायदा उठा सकते हैं, वो इस प्रोडक्ट पोजीशनिंग का फायदा उठा सकते हैं और उसके हिसाब से प्राइस में थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी सी, दैट इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, ठीक है। तो परसेप्शन के बेसिस पे आप यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेल मार्केटिंग डिसीजन अ रिटेलर हैज टू मेक इज रिलेटेड टू डैश। नाउ दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन रिटेलरशिप, ठीक है, रिटेलर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। रिटेलर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, होलसेलर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन एक रिटेलर के लिए क्या होता है, इज इट सिलेक्ट द प्रोडक्ट, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट उसको बेचना है, सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, कौन से मार्केट को टारगेट करना है, क्या वो लेट से अगर वो जेंडर के बेसिस पर टारगेट करना चाहता है, ठीक है, तो क्या वो मेल्स को टारगेट करेगा, क्या वो फीमेल्स को टारगेट करेगा, या फिर वो बच्चों को टारगेट करेगा, चिल्ड्रंस को टारगेट करेगा। सो दैट इज हिज चॉइस। थर्ड वन इज चूज द डिजायर्ड सर्विस लेवल। पोस्ट सेल क्या सर्विसेज देगा वो, जैसे रिटेलर्स बहुत सारे सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं कि भाई हम आपका प्रोडक्ट डिलीवर करा देंगे, हम मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम आपको और भी फाइनेंसिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डी डेवलप एन इफेक्टिव स्टोर एटमोसफेयर, मतलब स्टोर का एटमोसफेयर ऐसा क्रिएट किया जाए कि भाई लोग घुसें एंड पीपल आर मेसमराइज्ड एट हाउ वेल इट इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ वेल इट इज प्रेजेंटेबल। जिसको अगर आप याद करें कि एक पी ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़ा हुआ है, फिजिकल एविडेंस, ठीक है, कि चीज़ें किस तरीके से एविडेंटली फिजिकली शोकेस की गई हैं इन ऑर्डर टू मेक देम प्रेजेंटेबल, ताकि कस्टमर मार्केट में घुसे, कस्टमर शॉप में घुसे और कस्टमर कहे यार ये तो बहुत ही अच्छा शो आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आ रहा है, इस प्रोडक्ट को हम परचेज कर सकते हैं। जब आप कार्स के शोरूम में जाते हैं, जब आप बाइक के शोरूम में जाते हैं, तो वो इस तरीके से उनके यहाँ लाइटिंग इतनी अच्छी करी होती है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है
कि आपका उस पर दिल आ जाता है, यू गेट अट्रैक्टेड टू दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे चार ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि रिटेलर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में बात करें तो टारगेट मार्केट सिलेक्ट करना उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि रिटेलर के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, ही कैन नॉट गेट इनटू ऑल द मार्केट्स, तो उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं मेल को केटर करना चाहता हूँ, फीमेल को, बच्चों को, या फिर और भी अलग तरीके के पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट ही हैज टू डिटरमाइन कि किस सेगमेंट को, किस टारगेट मार्केट को उसको केटर करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा फंड नहीं है तो बहुत सारे प्रोडक्शन सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया, सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू दैट क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे एट 2 PM शार्प। टिल देन टेक केयर एंड